नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली सामराज्य महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। दुर्ग जिले में चला एंटी करप्शन ब्यूरो का डंडा। लेटे हुए हनुमान मंदिर में ईंट मार कर तोड़ी मूर्ति। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 56 वर्ष की आयु में स्कॉटलैंड के बालमोरल में निधन हो गया है। एलिजाबेथ द्वितीय अपनी तबियत के कारण लंबे समय से स्टेट में ही रह रही थी। गुरुवार को डॉक्टरों ने महारानी की सेहत को लेकर चिंता जताई थी। कल दोपहर को स्कॉटलैंड में स्टेट में शांति के साथ अंतिम सांस ली, जिसके बाद महारानी की मौत के बाद पूरे ब्रिटेन में शोक का माहौल है। शोक सभा में प्रधानमंत्री ली ट्रस ने शोक जाहिर करते हुए कहा कि महारानी वो चट्टान थी जिस पर आधुनिक ब्रिटेन का निर्माण हुआ। उन्होंने हमें स्थिरता और मजबूती दी जिसकी हमें जरूरत थी। गौरतलब है कि इस मंगलवार को महारानी ने ली ट्रस को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैथरीन ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज एंड कॉर्नवॉल बन गए हैं। दुर्ग जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर की टीम द्वारा जामुल पटवारी नीलकमल सोनी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी द्वारा नामांतरण एवं ऋण पुस्तिका बनाने के लिए हितग्राही से रिश्वत की मांग की थी। दरअसल एसीबी रायपुर को सेक्टर 11 जोन एक खुर्सीपार निवासी विनोद कुमार जायसवाल ने जामुल पटवारी नीलकमल सोनी के द्वारा नामांतरण एवं ऋण पुस्तिका बनाने के नाम पर 6,000 की मांग की थी। इसकी शिकायत विनोद कुमार जायसवाल ने एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर से की थी। इस पर एसीबी की टीम ने निरीक्षण सुरेश सोनी के नेतृत्व में पटवारी कार्यालय जामुल में दबिश दी और पटवारी नीलकमल सोनी को रंगे हाथ पकड़ लिया। पटवारी नीलकमल सोनी के खिलाफ 7(12) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ के प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में ईंट मार कर शनिदेव की मूर्ति और ध्वज तोड़ने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि बुधवार रात को करीब 25 साल का एक युवक अपना नाम शिवा बताकर गोमती तट पर स्थित लेटे हनुमान जी के मंदिर में घुसा और ईंट से शनिदेव की मूर्ति और ध्वज को तोड़ दिया, जिसके बाद पुजारी और आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक चौक थाना क्षेत्र में लेटे हनुमान मंदिर में मुस्लिम युवक ने तोड़फोड़ की है। तौफीक अहमद नाम का युवक माथे पर टीका लगाकर मंदिर में घुस गया था। उसने अपना नाम शिवा बताया था। सबसे पहले उसने शनिदेव की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की, हालांकि भीड़ में उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि तौफीक काफी नशे में था, वह बात तक नहीं कर पा रहा था। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।